बिरला विद्या मंदिर के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और यहाँ पर मौजूद उनके सभी अभिभावकों को मेरा श्रद्धेय सलाम। आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर होकर 61 साल बाद लौटा हूँ इस खेल के मैदान में। 1957 में यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा पास की और उसके बाद अब मैं लौटा हूँ न केवल बिरला विद्या मंदिर में लेकिन नैनीताल में भी पहली बार। ये जो खेल का मैदान है इसमें आज के विद्यार्थियों की तरीके से मैंने भी खूब हॉकी खेली है। 400 मीटर और 800 मीटर की कई दौड़ों में हिस्सा लिया, जीता भी हूँ हारा भी हूँ और उसके बाद मैराथन रेस में भी दूर तक भागा हूँ। ये खेल का मैदान वो है जिसने हम सबको देश का बेहतर नागरिक बनाया है। मैं आज आपके सामने जिस बात को रखूंगा वो हमारे देश के बारे में है, भारत एक विचार, द आइडिया ऑफ इंडिया। ये बहुत मौजू विषय बन गया है आज के हिंदुस्तान में, क्योंकि लगातार देश में एक बहस चल रही है कि भारत के मायने क्या है। ये नई बहस है लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। इसे थोड़ा सा इतिहास में समय लगाऊंगा और थोड़ा सा समय आज के हालात पे लगाऊंगा ये समझने के लिए कि हमारे देश का, भारत का मतलब क्या है, हम किस देश के नागरिक हैं और उसमें हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और देश को हमसे क्या उम्मीदें हैं। हम अगर इतिहास को देखें तो जिस भारत को हम आज इतने गर्व से, फख्र से इंडिया बोलते हैं, खासकर मध्यम वर्ग इसको इंडिया ही बोलता है, भारत नहीं बोलता है, जिस देश का तिरंगा झंडा जब फहराता है तो हमारे दिल में बहुत सारी भावनाएं पैदा होती हैं। ये भारत सच्चे मायनों में 1947 के बाद ही बना है आज का भारत। अगर इतिहास देखें तो 5000 साल से इस दक्षिण एशिया के भूभाग में, जिसको हम भारत का उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इसमें सैकड़ों रजवाड़े रहे। चाहे आप उस समय का गुप्त काल देखें या उसके पहले का चालुक्य काल देखें, बौद्ध काल देखें, उस समय से रजवाड़े रहे, रियासतें बनी। उन रजवाड़े और रियासतों के बीच में कई बारी लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, इसलिए उनके रजवाड़ों और रियासतों की भी सरहदें बदली, नई सरहदें बनी। और जो चंद्रगुप्त का बहुत महान काल माना जाता है तो सरहद बहुत दूर तक चली गई, पश्चिम में अफगानिस्तान तक और पूर्व में असम तक, लेकिन भारत का नक्शा जो आज है ये कभी नहीं था, ये नया नक्शा है। इस नए नक्शे को बनाने में आज़ादी की लड़ाई का एक भारी योगदान है, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठी। 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसमें एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसने आज के हिंदुस्तान को खड़ा किया, वो था कि देश के सभी हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हुए बहादुर शाह जफर के झंडे के तहत और बहादुर शाह जफर को आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक घोषित किया और आज़ादी की लड़ाई ने एक नया रूप लिया, नया आयाम लिया और यहाँ से शुरू होती है एक नए हिंदुस्तान को गढ़ने की लड़ाई, नई उम्मीदों और नए विश्वासों के साथ। मैं इसका थोड़ा सा कुछ इसके खास खास घटनाओं का जिक्र करूँगा, समय की कमी से पूरी बात नहीं कर पाऊँगा। मेरा मानना है कि जिस देश के लिए आज हम, जिस देश को, जिस संविधान को बचाने की लड़ाई आज लड़ रहे हैं, उस संविधान को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी शुरुआत होती है 1848 में, जब पुणे शहर की एक बस्ती में
सावित्री बाई फुले और उनकी निकट की साथी फातिमा शेख ने, फातिमा बी और सावित्री बाई ने मिलकर फैसला किया कि वो सबसे उत्पीड़ित जाति दलित लड़कियों के लिए स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोला, उसके बाद तीन और स्कूल खोले। जब सावित्री बाई और फातिमा बी उस स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो वहाँ पर आसपास के मोहल्लों के, सड़क के आसपास के मोहल्लों के सभी ऊंची जाति के लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे। वो शांति से अपने स्कूल पहुँच के अपनी साड़ी को धो के नई साड़ी पहन के लड़कियों को पढ़ाती थी। जब उससे भी वो नहीं रुकी गोबर फेंकने से, तो उच्च जाति के लोगों ने उनके ऊपर इंसान का मल भी फेंका। उससे भी जब रुकी तब उन पर पत्थर फेंके। पर सावित्री बाई और फातिमा भी पूरी हिम्मत के साथ उस स्कूल में पढ़ाती रही और स्कूल से एक स्कूल से तीन और स्कूल खुले। उसके बाद लड़कों का स्कूल खुला। ये एक नई उद्घोषणा थी भारत के इतिहास में, जहाँ पर ज्ञान से वंचित देश के लगभग 3/4 आबादी 5000 साल से जो वंचित रही उसको पहली बार ज्ञान मिलना शुरू हुआ। और फिर उस ज्ञान की लड़ाई ने कई बार नए रूप लिए। मैं बीच की बातों को छोड़कर 1873 में एक बहुत ऐतिहासिक दस्तावेज है जो लिखा गया ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई के पति ज्योतिबा फुले के द्वारा, जो लगभग एक महात्मा का पद पा चुके हैं देश में। अब महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने 1873 में भारत की जाति का इतिहास लिखा। इस बात को आप समझिए, 1873 की बात कर रहा हूँ, वो देश का पहला ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कहलाता है, ज्योतिबा फुले कहलाते हैं। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का मायने ये है जो जमीन से जुड़े हुए थे, जमीन से सीखा और जमीन से ज्ञान को निकाल कर उन्होंने किताब का रूप दिया। उसका नाम था भारत की जाति का इतिहास, और उसका जो प्रचलित नाम है वो है गुलामगिरी, मराठी का नाम है। और उसका हिंदी में भारत की तमाम भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और उसके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अनुवाद है, पर सबका आशय है गुलामगिरी, कैसे लोगों को गुलाम बनाया गया भारत। और बहुत ही मौजूद बात है, 1873 में उस किताब के समर्पण में, डेडिकेशन में ज्योतिबा फुले क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ये किताब समर्पित है अमरीका के उन गोरे लोगों को और काले लोगों को जिन्होंने मिलकर अमरीका की गुलाम प्रथा को खत्म करने की लड़ाई लड़ी है। हमने उनसे प्रेरणा ली है भारत की गुलाम प्रथा को खत्म करने की। 1882 में ज्योतिबा फुले, हंटर कमीशन, जो भारत की मॉडर्न शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का पहला आयोग था, द फर्स्ट कमीशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, हंटर कमीशन, उसके सामने एक बहुत ही जबरदस्त ज्ञापन पेश किया। उन्होंने तमाम बातें कही, अभी समय नहीं है इस बात को करने का, लेकिन एक या दो बातों का जिक्र करूंगा जो इसका आज भी बहुत, इसका प्रसंग आज भी जिंदा है। उन्होंने उसमें कहा कि बहुत अचरज की बात है, बड़ी विडंबना है, इट्स ए मेजर आयरनी कि जिस रेवेन्यू को, जिस पैसों को ब्रिटिश सरकार इकट्ठा करती है और जब उसको खर्च, और वो पैसा देश के मेहनतकश मजदूर और किसानों के पसीने की कमाई होता है, जब उसको बटोरती है, जब उसको खर्च करने का समय आता है और शिक्षा व्यवस्था खड़ी की जाती है, उसका सारा फायदा उच्च वर्गों और उच्च जाति के बच्चों को मिलता है और बाकी सब वंचित रह जाते हैं। ये जो विडंबना का जिक्र 1882 में हुआ, उसकी उसी विडंबना का जिक्र आज भी 2018 में लागू है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि हालात और भी बुरी हो गई है। उस 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में महाराष्ट्र में ही एक और बहुत बड़ी परिघटना का जिक्र करना जरूरी है। वहां पर कोल्हापुर रियासत, कोल्हापुर जिला है आज का, जो कर्नाटक के सीमा पर है, तो कोल्हापुर जिले के उस समय के महाराजा, जिनका नाम शाहूजी महाराज है, राजर्षि शाहूजी महाराज, उन्होंने भारत की पहली समान स्कूल व्यवस्था अपने रियासत में स्थापित की। और दूर दराज के गांव में रहने वाले आदिवासी और दलित जातियों के बच्चे वहां पढ़ने आने लगे और वहां पे फिर सेकेंडरी स्कूल खुले, उसके बाद कॉलेज खुले और तमाम बच्चों को वहां पर एक जैसी समतामूलक, समानता, बराबरी पर टिकी हुई शिक्षा मिलनी भारत में पहली बार शुरू हुई। उसकी एक खासियत का जिक्र करूंगा, जो बार बार सवाल उठता है, देश के सभी बच्चों को बेहतरीन शिक्षा कैसे दी जाए, भारत के पास संसाधन नहीं है। इसका उत्तर
1898 और 1902-3 के बीच में राजर्षि शाहू जी महाराज ने काम करके दिया। और वो ये उत्तर था उनका कि जो पैसा छोटी सी कोल्हापुर की रियासत अपनी स्कूल व्यवस्था पर खर्च करती थी उस समय, वो पैसा उस पैसे से कई गुना ज्यादा था जो पैसा ब्रिटिश साम्राज्य पूरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर खर्च करता था शिक्षा के क्षेत्र में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्या मतलब है? उस समय की बॉम्बे प्रेसिडेंसी आज के पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ जिले, वर्तमान तेलंगाना के कुछ जिले, इस सबको शामिल करती थी। यहाँ तक कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध के भी कुछ जिले इसमें शामिल थे, उसका वर्तमान गुजरात और महाराष्ट्र उसमें था। इतनी बड़ी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो ब्रिटिश सरकार खर्च करती थी, उससे ज़्यादा खर्च शाहू जी महाराज कोल्हापुर जिले के बच्चों पर खर्च करते थे। इसलिए जब भी आप सुने कि भारत के पास सब बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने का पैसा नहीं है, तो राजर्षि शाहू जी महाराज को याद कर लीजिए। मैं और बीच की बहुत बातें छोड़कर मैं 1920 को याद करूंगा आपके सामने। 1920 में जब महात्मा गांधी ने सारे देश में आह्वान दिया, अब वो समय आ गया है कि हम ब्रिटिश सत्ता के द्वारा संचालित सभी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से बाहर निकल आए और एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करें और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को भारत में स्थापित करें। उनके आह्वान पर हजारों लोगों ने इन कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों को छोड़ा और सर जगह जगह पे देश में राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय कॉलेज, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए। उनमें से एक का जिक्र करना मुझे जरूरी लगता है, वो है वो एक नौजवान जो अलीगढ़, उस समय की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए इकोनॉमिक्स कर रहे थे। उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स छोड़ा और वहाँ से बाहर निकल के उसी शहर के एक दो कमरे किराए पर लेके अपने साथियों के साथ एमए इकोनॉमिक्स पढ़ाने का और बीए इकोनॉमिक्स पढ़ाने का कोर्स शुरू कर दिया। बिना किसी रिकग्निशन के शुरू कर दिया पढ़ाना। वो जो विद्यार्थी था उसके बाद उसको एक ऑफर आई दिल्ली में, करोलबाग में, जहाँ अगर आप जानते हैं करोलबाग को, दिल्ली के करोलबाग में हमदर्द दवाखाने का एक बहुत बड़ा कैंपस था। तो हमदर्द दवाखाने के चलाने वालों ने उस नौजवान को आमंत्रित किया, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर अपना बड़ा कॉलेज खोलो। तब उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा कॉलेज खोला जो आज़ादी के बाद नई यूनिवर्सिटी में बदल गया। उस यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। और जिस नौजवान ने 1920 में गांधी के आह्वान पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर नया काम शुरू किया था, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के राष्ट्रपति बने और जामिया मिलिया के संस्थापक बने। इस कहानी को मैं याद कर रहा हूँ खास कारणों से समझने के लिए, आज का भारत कैसे बना। इसमें मैं 1924 के समय शहीद भगत सिंह ने एक लेख लिखा, उस बड़ा छोटा सा लेख है, कोई डेढ़ पेज का लेख है, उसको आप पढ़ सकते हैं, गूगल करके मिल जाएगा आपको। उस लेख का नाम है विद्यार्थी और राजनीति, स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स। उसमें दो तीन बहुत ही जबरदस्त बातें उस नौजवान शहीद भगत सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब गरीब बात है कि जब हिंदुस्तान के वायसराय लाहौर आते हैं, जो लाहौर में पढ़ते थे, हाँ इत्तेफाक से ही कहना जरूरी है, वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे जो महात्मा गांधी के आह्वान पर बनाया गया था, वो नेशनल कॉलेज के विद्यार्थी थे। तो शहीद भगत सिंह लिखते हैं अपने लेख में कि बड़ी अजीबोगरीब बात है, जब देश के वायसराय आते हैं लाहौर, तो हम सब विद्यार्थियों को इकट्ठा करके उनका स्वागत करने के लिए ले जाया जाता है। हम रेलवे स्टेशन जाते हैं लाहौर के रेलवे स्टेशन लेके, और जो अथॉरिटीज है लाहौर की वो खुद करवाती है उनसे। लेकिन जब गांधी जी आते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस आते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू आते हैं लाहौर में और हम उनसे उनका व्याख्यान सुनने जाते हैं, तो हमको गवर्नमेंट कहती है कि तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो वायसराय का स्वागत करना पॉलिटिक्स क्यों नहीं है, और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करना क्यों पॉलिटिक्स है, ये सवाल उस लेख में उठाया। एक और बहुत सवाल इसी से निकला हुआ उन्होंने उठाया, उनका ये सही है कि हमारे माँ बाप ने हमको नेशनल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, हमारा पहला काम पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ाई किस काम की अगर इस पढ़ाई में हमको ये नहीं पढ़ाया जाता कि भारत क्या है, भारत के हालात क्या है, यहाँ के सामाजिक हालात क्या है और भारत में हम जैसे नौजवानों की क्या भूमिका होनी चाहिए। अगर ये हमको पढ़ाया नहीं जाता है, ये पढ़ाई किसके काम की है, ये क्यों कॉलेज खुलता है? जब तक हमको देश के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, ये पढ़ाई लिखाई ये शिक्षा फिजूल की है।
बहुत बुनियादी सवाल है, दोनों सवाल आज भी उसी तरीके से खड़े हुए हैं और हमको ललचा रहे हैं। एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था तो नए भारत के निर्माण में मददगार होगी और नए नागरिकों को तैयार करेगी। मैं 1930 के दशक के दो बातों का जिक्र करूंगा जिन्होंने आज के हिंदुस्तान पर बहुत असर डाला है। एक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच की एक बहुत महत्वपूर्ण बहस जो 1932 में जब गांधी जी यरवदा जेल पुणे में थे, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके साथ एक बहस की शुरुआत करी जो अंत में पूरा पैक्ट के नाम में खत्म हुई। और उस बहस का मैं जिक्र भर कर रहा हूँ जिसमें जाति का सवाल बहुत प्रमुख रूप से सामने आया। 1936 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक छोटे से व्याख्यान अपना लिखा, पुस्तिका के रूप में लिखा, जिसका नाम था जाति का विध्वंस, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये पढ़ने लायक डॉक्यूमेंट है, जितनी बार पढ़ेंगे उसके बाद आपको फिर मन करेगा दोबारा पढ़ने का। जाति का विध्वंस जब वो छपा, व्याख्यान छपा, तो गांधी जी ने अपने हरिजन पत्रिका के अंकों में उसको सीरियलाइज किया, जबकि वो जो आलेख जो व्याख्यान था उससे गांधी जी असहमत थे, सहमत नहीं थे, पर वो एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी थे, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेटिक फर्ज निभाया और अपने विचारों के खिलाफ जो लेख था बाबा साहब अम्बेडकर का उसको उन्होंने सीरियलाइज किया। उसके बाद उसका जवाब उन्होंने छापा, अपना जवाब छापा, फिर वो सीरियलाइज हुआ। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के सब तर्कों को चुनौती देते हुए एक और लेख लिखा, फिर उसको भी उन्होंने छापा और फिर उसका जवाब छापा। अब आज हालात जो भारत के हैं, जब हमारे राज्य सत्ता के लोग घबराते हैं सवालों से, इतना खौफ खाते हैं विद्यार्थियों से, जब विद्यार्थी सवाल उठाते हैं उनको देशद्रोही बोल देते हैं, जब शिक्षक सवाल उठाते हैं तो उनकी तो आफत ही आ जाती है। याद कीजिए 1936 में गांधी जी अम्बेडकर डिबेट कर रहे हैं, खुद का लोकतांत्रिक डिबेट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त उदाहरण है। मैं उस डिबेट के कंटेंट में भी नहीं जाऊँगा, अभी समय नहीं है उसके लिए, पर एक डिबेट संभव थी नए देश को बनाने के लिए, इसलिए मैं आपके सामने उस आज़ादी की लड़ाई का एक विशेष रूप है वो मैं पेश करूंगा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई साम्राज्यवाद के विरोध में भी थी और जाति व्यवस्था के भी विरोध में थी। दो विमर्श, स्वाधीनता संग्राम के दो विमर्श इकट्ठे चले हैं 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी में आए और वो लगातार इकट्ठे चले हैं। वो विमर्श थे एक तरफ साम्राज्यवाद को नष्ट करने का और दूसरी तरफ जाति व्यवस्था को नष्ट करने का। ये दोनों लड़ाइयां खत्म नहीं हुई है, आज भी लड़ने के योग्य है और लड़ी जा रही है। तो आज जो सवाल हमारे सामने है, मैं बात को समेट रहा हूं, समय की कमी है, पर सब इस इतिहास से जुड़े हुए हैं। आज तो सवाल हमारे सामने ज्वलंत रूप से है, या उस पर थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। मैं आपके सामने आंकड़ा पेश कर रहा हूं। आज के दिन हालात यह है कि वो देश की जनता जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो गरीब ओबीसी है, जो उसी के समकक्ष मुस्लिम है, जो इन्हीं जातियों से मजहब बदल के मुस्लिम बने हैं, इसलिए उनकी सामाजिक और आर्थिक हालात वैसे ही हैं जैसे SC ST और OBC के हैं, इनकी आबादी या देश की 85% है, 85%। लेकिन शिक्षा इनको शिक्षित नहीं कर पा रही है। आंकड़ों पर नजर डालिए, केवल 6% आदिवासी बच्चे, शेड्यूल ट्राइब बच्चे, जो पहली कक्षा में दाखिला लेते हैं वे 12वीं पार करते हैं। केवल 8% दलित बच्चे जो पहली कक्षा में दाखिल होते हैं 12वीं पार करते हैं। इसी प्रकार से केवल 9% मुस्लिम बच्चे और केवल 10% बच्चे OBC बच्चे 12वीं पार करते हैं, यानी 90% से ज्यादा 85% आबादी के बच्चे 12वीं पार नहीं करते हैं 2018 में। इसका यह भी मतलब है कि 90% से ज्यादा इस आबादी के बच्चे उच्च शिक्षा में नहीं जा पाते। अगर उच्च शिक्षा में जाते तब उनको हक मिलता ये फैसला करने का कि वो इंजीनियर बनेंगे
कि डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे कि कलेक्टर बनेंगे या भारत के एम्बेसडर बनेंगे, ये फैसला करने का हक उनको कभी नहीं मिलता है। यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था इस काबिल में बनी है कि देश के 85% बच्चों को शिक्षित कर पाए। इसका यह भी मतलब है कि सामाजिक न्याय का एजेंडा जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 16 से निकला है, उसका कोई भी लाभ इन 85% आबादी के बच्चों को नहीं मिल पाता, केवल 10% से कम को मिलता है। चाहे वो आरक्षण हो, चाहे स्टाइपेंड हो, फेलोशिप हो, वजीफे हो, चाहे मुफ्त के हॉस्टल हो। क्या इस भारत को हम अपना सकेंगे या इसको केवल बदल कर बेहतरीन बनाकर और सबको बेहतरीन समतामूलक भेदभाव से मुक्त शिक्षा देकर ही हम नए भारत का निर्माण करेंगे जिस पर हमको फख्र होगा। आज हमारे देश की हालत यह हो गई है कि जब दुनिया में सर्वे होता है और बार बार अनेक अनेक पैरामीटर को लेकर सर्वे होता रहता है, तो हम लोग बिजनेस करने के में कितनी सुविधाएं देते हैं दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उसमें हम बहुत ऊंचे रैंकिंग पे जाते हैं। ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग बड़ी ऊंची होती है, लेकिन जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो सबसे नीचे के पायदान पर होते हैं। यहाँ तक कि उत्तरी अफ्रीका के जो सहारा के इलाके के देश माने जाते हैं, जो बहुत ही गरीब मुल्क है, उससे भी कई बार हमारी रैंकिंग नीचे होती है कुपोषण के सवाल पर। जब जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक लिंग भेद की बात होती है, तब भी हम बहुत नीचे पायदान पे होते हैं। जब शिक्षा की उपलब्धि की बात होती है, तब भी हम सबसे नीचे के पायदान पर होते हैं। लेकिन धंधे को सरल करने के लिए और दुनिया के पूंजीपतियों को यहाँ पे जगह देने के लिए हम सबसे ऊंचे पायदान पर होते हैं। हमारे अपने पैरामीटर को एक बार देखिए, नए भारत के पैरामीटर को। एक वो भारत का संविधान जो कि कहता है सबके लिए, सब नागरिकों के लिए बराबर के कानून बना, बराबरी देने वाले कानून बनेंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 बोलता है किसी भी नागरिक के साथ किसी भी ढंग का भेदभाव कभी नहीं होगा। आर्टिकल 38 बोलता है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो आमदनी है भारत के नागरिकों की, उसमें कम से कम अंतर हो, कम से कम अंतर हो। यहाँ पे तो महान कम अंतर है। आर्टिकल 39 बोलता है भारत की अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरीके से किया जाए कि सबको उसका बराबरी का लाभ मिले। आर्टिकल 39 का एक और दूसरा हिस्सा बोलता है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों का, नदियों का, पानी का, पहाड़ों का, हमारी जमीन का, हमारे खदानों का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाए कि सबका हित हो। इन छह अनुच्छेदों का हमारे आज के हालात पूरी तरीके से उल्लंघन करती है। ये मामले कभी भी हमारी संसद में, हमारी तमाम विधानसभाओं में, हमारी नगर पालिकाओं में, हमारी ग्राम पंचायतों में आज भी मुद्दे नहीं बन पाए हैं। ये हमारे पूरे संविधान को चुनौती देने वाली बातें हैं, इसमें मैं ध्यान दे रहा है। यहाँ तक कि हमारे अपने सोच कैसे बदल गए हैं। एक वो तो 1920 में गांधी जी का आह्वान, हम राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था जो राष्ट्रीय संकल्पों की होगी, राष्ट्रीय मकसद को पूरे करने वाली, देश की जनता की जरूरत को पूरा करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का आह्वान देते हैं। और 2018 में जब वर्ल्ड रैंकिंग में देखते हैं, वो हम कहते हैं हमारी IIT तो टॉप 200 में नहीं पहुंची, हमारी एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं पहुंची। हम भूल जाते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग हमारे देश की जरूरतों के आधार पर नहीं की जाती है। वर्ल्ड रैंकिंग दुनिया के बाजार की जरूरतों के आधार पर की जाती है, उसके पैरामीटर दुनिया के बाजार और दुनिया की पूंजी करती है तय। देश के हालात तय नहीं करते हैं कि हमारे असम में, नागालैंड में, मेघालय में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में किस तरीके के विश्वविद्यालय होने चाहिए, कैसे कॉलेज होने चाहिए, कैसे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये पैरामीटर वर्ल्ड रैंकिंग की मार्केटिंग एजेंसियों के लिए, वो तो मार्केट की एजेंसियां हैं। हम मार्केट एजेंसियों को भारत के संविधान से ऊपर बैठा देते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। मार्केट एजेंसी संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, ये आजादी की लड़ाई का समृद्ध इतिहास, साम्राज्यवाद विरोधी, जाति व्यवस्था विरोधी इतिहास, जो अभूतपूर्व इतिहास है दुनिया की सभी आजादी की लड़ाइयों में, सबसे बेजोड़ इतिहास है, इतना प्रेरणादायक इतिहास है, इतना लिखा गया उस समय, इतना ज्ञान पैदा किया गया उस समय, उस इतिहास से जो भारत बना है, ये नया भारत बना है जिसकी बुनियाद हमारा संविधान है, इसके हर पहलू को, इसके हर
आयाम को, इसके हर मूल्य को हम संजो कर रखें, इसकी सुरक्षा करके रखें, तब नया भारत बनेगा। और नया भारत सबके लिए न्याय देगा, सब नागरिकों के प्रति न्याय देगा, चाहे वो दलित आदिवासी हो और चाहे वो उच्च वर्ग उच्च जाति का हो, चाहे वो अंबानी अडानी हो या एक मजदूर का बच्चा हो बच्ची हो, वो सब एक प्रकार की समतामूलक शिक्षा व्यवस्था पा पाएंगे। ये चुनौती है भारत के संविधान की। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो आज़ादी की लड़ाई के सपने और संविधान के मूल्य हमारे नए भारत का अभिन्न हिंसा बन जाएंगे। ये कहकर आप सबको शहीद भगत सिंह के नारे के साथ इनकलाब जिंदाबाद। वो एक नौजवान जो अलीगढ़, उस समय की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए इकोनॉमिक्स कर रहे थे, उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स छोड़ा और वहाँ से बाहर निकल के उसी शहर के एक दो कमरे किराए पे लेके अपने साथियों के साथ एमए इकोनॉमिक्स पढ़ाने का और बीए इकोनॉमिक्स पढ़ाने का कोर्स शुरू कर दिया, बिना किसी रिकग्निशन के शुरू कर दिया पढ़ाना। वो जो विद्यार्थी था उसके बाद उसको एक ऑफर आई दिल्ली में, करोलबाग में, जहाँ अगर आप जानते हैं करोलबाग को, दिल्ली के करोलबाग में हमदर्द दवाखाने का एक बहुत बड़ा कैंपस था, तो हमदर्द दवाखाने के चलाने वालों ने उस नौजवान को आमंत्रित किया, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर अपना बड़ा कॉलेज खोलो। तब उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा कॉलेज खोला जो आज़ादी के बाद नई यूनिवर्सिटी में बदल गया। उस यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। और जिस नौजवान ने 1920 में गांधी के आह्वान पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर नया काम शुरू किया था, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के राष्ट्रपति बने और जामिया मिलिया के संस्थापक बने। इस कहानी को मैं याद कर रहा हूँ खास कारणों से, समझने के लिए आज का भारत कैसे बना। इसमें मैं 1924 के समय शहीद भगत सिंह ने एक लेख लिखा, उस बड़ा छोटा सा लेख है, कोई 1.5 पेज का लेख है, उसको आप पढ़ सकते हैं, गूगल करके मिल जाएगा आपको। उस लेख का नाम है विद्यार्थी और राजनीति, स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स। उसमें 2-3 बहुत ही जबरदस्त बातें उस नौजवान शहीद भगत सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब गरीब बात है कि जब हिंदुस्तान के वायसराय लाहौर आते हैं, जो लाहौर में पढ़ते थे, हाँ इत्तेफाक से ही कहना जरूरी है, वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे जो महात्मा गांधी के आह्वान पर बनाया गया था, वो नेशनल कॉलेज के विद्यार्थी थे। तो शहीद भगत सिंह लिखते हैं अपने लेख में कि बड़ी अजीबोगरीब बात है, जब देश के वायसराय आते हैं लाहौर तो हम सब विद्यार्थियों को इकट्ठा करके उनका स्वागत करने के लिए ले जाया जाता है। हम रेलवे स्टेशन जाते हैं लाहौर के रेलवे स्टेशन, लेकिन और जो अथॉरिटीज है लाहौर की वो खुद करवाती हैं उनसे, लेकिन जब गांधी जी आते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस आते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू आते हैं लाहौर में और हम उनका व्याख्यान सुनने जाते हैं, तो हमको गवर्नमेंट कहती है कि तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो वायसराय का स्वागत करना पॉलिटिक्स क्यों नहीं है, और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करना क्यों पॉलिटिक्स है, ये सवाल उस लेख में उठाया। एक और बहुत सवाल इसी से निकला हुआ उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा ये सही है कि हमारे माँ बाप ने हमको नेशनल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, हमारा पहला काम पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ाई किस काम की अगर इस पढ़ाई में हमको ये नहीं पढ़ाया जाता कि भारत क्या है, भारत के हालात क्या है, यहाँ के सामाजिक हालात क्या है और भारत में हम जैसे नौजवानों की क्या भूमिका होनी चाहिए। अगर ये हमको पढ़ाया नहीं जाता है, ये पढ़ाई किसके काम की है, ये क्यों कॉलेज खुलता है, जब तक हमको देश के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, ये पढ़ाई लिखाई ये शिक्षा फिजूल की है। बहुत बुनियादी सवाल है, दोनों सवाल आज भी उसी तरीके से खड़े हुए हैं और हमको ललकार रहे हैं एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था तो नए भारत के निर्माण में मददगार होगी और नए नागरिकों को तैयार करेगी। मैं 1930 के दशक के दो बातों का जिक्र करूँगा जिन्होंने आज के हिंदुस्तान पर बहुत असर डाला है। एक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच की एक बहुत महत्वपूर्ण बहस, जो 1932 में जब गांधी जी यरवदा जेल पुणे में थे, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके साथ एक बहस की शुरुआत करी जो अंत में पूरा पैक्ट के नाम में ख़त्म हुई। और उस बहस का मैं जिक्र भर कर रहा हूँ जिसमें जाति का सवाल बहुत प्रमुख रूप से सामने आया। 1936 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक छोटे से व्याख्यान अपना लिखा, पुस्तिका के रूप में लिखा, जिसका नाम था जाति का विध्वंस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये पढ़ने लायक डॉक्यूमेंट है, जितनी बार पढ़ेंगे उसके बाद आपको फिर मन करेगा दोबारा पढ़ने का, जाति का विध्वंस। जब वो छपा, व्याख्यान छपा,
तो गांधी जी ने अपनी हरिजन पत्रिका के अंकों में उसको सीरियलाइज किया, जबकि वो जो आलेख जो व्याख्यान था उससे गांधी जी असहमत थे, सहमत नहीं थे, पर वो एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी थे, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेटिक फर्ज निभाया और अपने अपने विचारों के खिलाफ जो लेख था बाबा साहब अम्बेडकर का उसको उन्होंने सीरियलाइज किया। उसके बाद उसका जवाब उन्होंने छापा, अपना जवाब छापा, फिर वो सीरियलाइज हुआ। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के सब तर्कों को चुनौती देते हुए एक और लेख लिखा, फिर उसको भी उन्होंने छापा और फिर उसका जवाब छापा। अब आज हालात जो भारत के हैं, जब हमारे राज्य सत्ता के लोग घबराते हैं सवालों से, इतना खौफ खाते हैं विद्यार्थियों से, जब विद्यार्थी सवाल उठाते हैं उनको देशद्रोही बोल देते हैं, जब शिक्षक सवाल उठाते हैं तो उनकी तो आफत ही आ जाती है। याद कीजिए 1936 में गांधी जी अम्बेडकर डिबेट कर रहे हैं, खुद का लोकतांत्रिक डिबेट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त उदाहरण है। मैं उस डिबेट के कंटेंट पे भी नहीं जाऊंगा, अभी समय नहीं है उसके लिए, पर एक डिबेट संभव थी नए देश को बनाने के लिए, इसलिए मैं आपके सामने उस आज़ादी की लड़ाई का एक विशेष रूप है वो मैं पेश करूंगा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई साम्राज्यवाद के विरोध में भी थी और जाति व्यवस्था के भी विरोध में थी। दो विमर्श, स्वाधीनता संग्राम के दो विमर्श इकट्ठे चले हैं 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी में आए और वो लगातार इकट्ठे चले हैं। वो विमर्श थे एक तरफ साम्राज्यवाद को नष्ट करने का और दूसरी तरफ जाति व्यवस्था को नष्ट करने का। ये दोनों लड़ाइयां खत्म नहीं हुई है, आज भी लड़ने के योग्य है और लड़ी जा रही है। तो आज जो सवाल हमारे सामने है, मैं बात को समेट रहा हूं, समय की कमी है, पर सब इस इतिहास से जुड़े हुए हैं। आज जो सवाल हमारे सामने ज्वलंत रूप से है, क्या उस पर थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। मैं आपके सामने आंकड़ा पेश कर रहा हूं। आज के दिन हालात यह है कि वो देश की जनता जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, जो गरीब ओबीसी है, जो उसी के समकक्ष मुस्लिम है, जो इन्हीं जातियों से मजहब बदल के मुस्लिम बने हैं, इसलिए उनकी सामाजिक और आर्थिक हालात वैसे ही हैं जैसे SC ST और OBC के हैं, इनकी आबादी या देश की 85% है, 85%। लेकिन शिक्षा इनको शिक्षित नहीं कर पा रही है। आंकड़ों पर नजर डालिए, केवल 6% आदिवासी बच्चे, शेड्यूल ट्राइब बच्चे जो पहली कक्षा में दाखिला लेते हैं वे 12वीं पार करते हैं। केवल 8% दलित बच्चे जो पहली कक्षा में दाखिल होते हैं 12वीं पार करते हैं। इसी प्रकार से केवल 9% मुस्लिम बच्चे और केवल 10% बच्चे OBC बच्चे 12वीं पार करते हैं, यानी 90% से ज्यादा 85% आबादी के बच्चे 12वीं पार नहीं करते हैं 2018 में। इसका यह भी मतलब है कि 90% से ज्यादा इस आबादी के बच्चे उच्च शिक्षा में नहीं जा पाते। अगर उच्च शिक्षा में जाते तब उनको हक मिलता ये फैसला करने का कि वो इंजीनियर बनेंगे कि डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे कि कलेक्टर बनेंगे या भारत के एम्बेसडर बनेंगे, ये फैसला करने का हक उनको कभी नहीं मिलता है। यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था इस काबिल नहीं बनी है कि देश के 85% बच्चों को शिक्षित कर पाए। इसका यह भी मतलब है कि सामाजिक न्याय का एजेंडा जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 16 से निकला है उसका कोई भी लाभ इन 85% आबादी के बच्चों को नहीं मिल पाता, केवल 10% से कम को मिलता है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे स्टाइपेंड हो, फेलोशिप हो, वजीफे हो, चाहे मुफ्त के हॉस्टल हो। क्या इस भारत को हम अपना सकेंगे या इसको केवल बदल कर बेहतरीन बनाकर और सबको बेहतरीन समतामूलक भेदभाव से मुक्त शिक्षा देकर ही हम नए भारत का निर्माण करेंगे जिस पर हमको फक्र होगा। आज हमारे देश की हालत यह हो गई है कि जब दुनिया में सर्वे होता है और बार बार अनेक पैरामीटर को लेकर सर्वे होता रहता है तो हम लोग
बिजनेस करने के में कितनी सुविधाएं देते हैं दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उसमें हम बहुत ऊंचे रैंकिंग पे जाते हैं। ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग बड़ी ऊंची होती है, लेकिन जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो सबसे नीचे के पायदान पर होते हैं। यहाँ तक कि उत्तरी अफ्रीका के जो सहारा के इलाके के देश माने जाते हैं, जो बहुत ही गरीब मुल्क है, उससे भी कई बार हमारी रैंकिंग नीचे होती है कुपोषण के सवाल पर। जब जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक लिंग भेद की बात होती है, तब भी हम बहुत नीचे पायदान पे होते हैं। जब शिक्षा की उपलब्धि की बात होती है, तब भी हम सबसे नीचे के पायदान पर होते हैं। लेकिन धंधे को सरल करने के लिए और दुनिया के पूंजीपतियों को यहाँ पे जगह देने के लिए हम सबसे ऊंचे पायदान पर होते हैं। हमारे अपने पैरामीटर को एक बार देखिए, नए भारत के पैरामीटर को। एक वो भारत का संविधान, जो कि कहता है सबके लिए, सब नागरिकों के लिए बराबर के कानून बना, बराबरी देने वाले कानून बनेंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 बोलता है किसी भी नागरिक के साथ किसी भी ढंग का भेदभाव कभी नहीं होगा। आर्टिकल 38 बोलता है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो आमदनी है भारत के नागरिकों की, उसमें कम से कम अंतर हो, कम से कम अंतर हो। यहाँ पे तो महान कम अंतर है। आर्टिकल 39 बोलता है भारत की अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरीके से किया जाए कि सबको उसका बराबरी का लाभ मिले। आर्टिकल 39 का एक और दूसरा हिस्सा बोलता है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों का, नदियों का, पानी का, पहाड़ों का, हमारी जमीन का, हमारे खजानों का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाए कि सबका हित हो। इन छह अनुच्छेदों का हमारे आज के हालात पूरी तरीके से उल्लंघन करती है। ये मामले कभी भी हमारी संसद में, हमारी तमाम विधानसभाओं में, हमारी नगर पालिकाओं में, हमारी ग्राम पंचायतों में आज भी मुद्दे नहीं बन पाए हैं। ये हमारे पूरे संविधान को चुनौती देने वाली बातें हैं, इस पर मैं ध्यान दे रहा हूं। यहां तक कि हमारे अपने सोच कैसे बदल गए हैं। एक वो तो 1920 में गांधी जी का आह्वान, हम राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था जो राष्ट्रीय संकल्पों की होगी, राष्ट्रीय मकसद को पूरे करने वाली, देश की जनता की जरूरत को पूरा करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का आह्वान देते हैं। और 2018 में जब वर्ल्ड रैंकिंग में देखते हैं, वो हम कहते हैं हमारी IIT तो टॉप 200 में नहीं पहुंची, हमारी एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं पहुंची। हम भूल जाते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग हमारे देश की जरूरतों के आधार पर नहीं की जाती है। वर्ल्ड रैंकिंग दुनिया के बाजार की जरूरतों के आधार पर की जाती है, उसके पैरामीटर दुनिया के बाजार और दुनिया की पूंजी करती है तय। देश के हालात तय नहीं करते हैं कि हमारे असम में, नागालैंड में, मेघालय में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में किस तरीके के विश्वविद्यालय होने चाहिए, कैसे कॉलेज होने चाहिए, कैसे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये पैरामीटर वर्ल्ड रैंकिंग की मार्केटिंग एजेंसियों के लिए, वो तो मार्केट की एजेंसियां हैं। हम मार्केट एजेंसियों को भारत के संविधान से ऊपर बैठा देते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। मार्केट एजेंसी संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, ये आजादी की लड़ाई का समृद्ध इतिहास, साम्राज्यवाद विरोधी, जाति व्यवस्था विरोधी इतिहास, जो अभूतपूर्व इतिहास है, दुनिया की सभी आजादी की लड़ाइयों में सबसे बेजोड़ इतिहास है, इतना प्रेरणादायक इतिहास है, इतना लिखा गया उस समय, इतना ज्ञान पैदा किया गया उस समय, उस इतिहास से जो भारत बना है, ये नया भारत बना है जिसकी बुनियाद हमारा संविधान है, इसके हर पहलू को, इसके हर आयाम को, इसके हर मूल्य को हम संजो कर रखें, इसकी सुरक्षा करके रखें, तब नया भारत बनेगा। और नया भारत सबके लिए न्याय देगा, सब नागरिकों के प्रति न्याय देगा, चाहे वो दलित आदिवासी हो और चाहे वो उच्च वर्ग उच्च जाति का हो, चाहे वो अंबानी अडानी हो या एक मजदूर का बच्चा हो, बच्ची हो, वो सब एक प्रकार की समतापूर्वक शिक्षा व्यवस्था पा पाएंगे। ये चुनौती है भारत के संविधान की। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो आज़ादी की लड़ाई के सपने और संविधान के मूल्य हमारे नए भारत का अभिन्न हिंसा बन जाएंगे। ये कहकर आप सबको शहीद भगत सिंह के नारे के साथ इनकलाब जिंदाबाद।